बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ आलू के पराठों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। पैन में ऑयल डाल दें, इसमें ज़ीरा, कलौंजी, कड़ी पत्ता डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा डाल दें, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला पाउडर और नमक शामिल करके मिक्स कर लें। 2 मिनट बाद बॉयल मैश आलू इसमें डालकर मिक्स कर लें। हरी प्याज का हरा हिस्सा और चॉप हरी मिर्ची डालकर मज़ीद 5 मिनट पकाएं। पराठों की फिलिंग के लिए आलू उबले हुए मैश की हुए, इसमें नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला पाउडर, चॉप हरी मिर्चें, चॉप हरी प्याज, इन तमाम को मिक्स कर लें और फिलिंग तैयार कर लें। डो के लिए आटा लें, इसमें नमक शामिल कर लें, पानी डालकर आटा तैयार कर लें। आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। पेड़े बनाने के बाद 5 मिनट रेस्ट दे दें। अब इसको छोटी छोटी टिकियां तैयार कर लें। तमाम आटे की टिकियां तैयार कर लें। अब इसमें एक टिकिया में फिलिंग रख दें और दूसरी आटे की टिकिया ऊपर से कवर कर दें। इस तरह तमाम रोटी की छोटी छोटी टिकियां तैयार कर लें और 10 मिनट बाद इसको बेल लें और पराठे की शक्ल दे दें। अब इसको तवे पर डाल दें। पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें। जब सिक जाएं तो इसको घी डालकर फ्राई कर लें। पराठों को दोनों तरफ घी लगा के अच्छी तरह सेक लें। सेकने के बाद पेपर पे उतार लें। इसको भुनी हुई चटनी, अचार और भुरते के साथ सर्व करें। आपके आलू के पराठे सर्व करने के लिए तैयार हैं।